लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 की अपार सफलता के बाद अब भारत सरकार ने लॉन्च किया है लॉकडाउन टिकटॉक। तो कल रात भारत सरकार ने टिकटॉक समेत 58 ऐपों को बोला, निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। इस लॉकडाउन में गरीब मजदूरों को घर भेजने का काम भारत सरकार ने किया हो या ना किया हो, पर इस लॉकडाउन में चीनी ऐपों को चाइना भेजने का पूरा काम भारत ने कर दिया है। देखो, टिकटॉक बैन हुआ, सबके अपने अपने व्यूज है। मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा नुकसान उन लड़कों का हुआ है जो दो संतरे एक साड़ी की भरोसे अपने आप को फेमस करने चले थे। एक मिनट, मुझे कुछ बात याद आ रही है। इस अद्भुत प्राणी ने क्या बोला था कि टिकटॉक बेरोजगारों के लिए है और भारत में इतने बेरोजगार हैं, इसने सोचा नहीं था। पर इस बंद आग की बीमारी को कौन समझाए कि आज की डेट में ये खुद ही बेरोजगार है। मोदी जी ने इसके गाल पे ऐसा चांटा मारा है कि अब ना ये चाइना का रहा ना इंडिया का। अच्छा, जो अपनी मेहनत से फेमस हुए हैं उनका तो अच्छा है, वो तो अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर ही देंगे। प्रॉब्लम तो इन जैसों के लिए है। बजाओ कंगना। तू एक काम क्यों नहीं कही थी, अपनी और अपनी पड़ोसी की टाटा स्काई की छतरी बजा ले, नेटवर्क तेरे सर पे लग ही रहे हैं। अब ये जो टिकटॉकर हैं, जो अपने आप को स्टार समझते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर समझते हैं, अपनी टिकटॉक आखिरी वीडियो में बोल रहे हैं हेलो फ्रेंड्स, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो। नहीं, बताओ क्यों कर लें, क्यों कर लें? हम फालतू बैठे हैं, हमारा क्या फायदा, हम क्यों कर लें? अब तक तो तुम्हारा घर था, तुम उसमें कचरा फैला रहे थे, अब वो बंद हुआ तो तुम हमारे यहाँ आ गए गंद फैलाने। ऑन द सीरियस नोट, मैं समझ सकता हूँ कि जो लोग अपनी मेहनत से टिकटॉक पर फेमस हुए थे आज की डेट में उन्हें बहुत दुख हो रहा होगा, पर दोस्तों आपको ये बात समझनी चाहिए कि अगर आप में टैलेंट है तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर फेमस हो सकते हैं। पर अगर फिर भी आपको दुख हो रहा है तो आप इन 20 जवानों की शहीदी को याद कर ले। धन्यवाद।